मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। प्रदेश के कई इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर रेड अलर्ट भी लागू किया गया है। आइए जानते हैं इस बारिश का असर और आगे के मौसम का हाल। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, जैसा पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी जारी की गई थी, प्रदेश में कई जगह पे येलो और ऑरेंज अलर्ट, अलग अलग जगहों पे और कुछ जगह पे रेड अलर्ट दिया गया था। फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में जो लो प्रेशर एरिया, जो डिप्रेशन था परसों बंगाल की खाड़ी में, वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया और छत्तीसगढ़ के ऊपर था। मॉनसून ट्रफ लाइन अभी भी मध्य प्रदेश के बीचों बीच बनी हुई है, जिससे जबलपुर और सीहोर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, नरसिंहपुर, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल और देवास में भारी से अति भारी वर्षा हो रही है। हालांकि गुजरात के ऊपर बना हुआ चक्रवाती घेरे का असर अब प्रदेश में कम हो चुका है और उसी के चलते हुए जो मानसून ट्रफ लाइन थी वो अभी भी मध्य प्रदेश के लगभग लगभग बीचों बीच हिस्से से गुजर रही थी। और पिछले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीहोर के इछावर तहसील में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि साथ ही छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, देवास, इन सभी इलाकों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा, कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा का क्रम पिछले 24 घंटों से अभी तक जारी है। यहाँ पे सागर संभाग, लगे हुए भोपाल संभाग के हिस्से और जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट आज भी कंटिन्यू रहेगा। स्पेशली विदिशा, रायसेन, सागर, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और शिवपुर कला, इन सभी हिस्सों में 12 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। जबकि जैसे जैसे ये सिस्टम कमजोर होगा, मानसून ट्रफ लाइन थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी, ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। सेवपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलीराजपुर, खंडवा, खरगाव, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ और उज्जैन में भी भारी वर्षा की संभावना है। 25 जुलाई के बाद मौसम में बदलाव देखा जाएगा और इसके बाद अति भारी वर्षा की संभावना नहीं होगी। अगले 24 घंटों के बाद बारिश होने लगी कि उसके चलते हुए ग्वालियर चंबल संभाग में कल से, माने आज कल प्रातः काल से आपका जो वर्षा की गतिविधियां वो थोड़ा तेज हो जाएंगी और इसी के चलते हुए शिवपुर कला, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इनमें ऑरेंज अलर्ट, जबकि मुरैना में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे बारिश 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब जानते हैं किन जिलों में तेज बारिश होने वाली है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार बालाघाट, पश्चिम छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, पूर्वी बालाघाट, बैतूल, मंडला, कान्हा, नर्मदापुरम, जबलपुर, भेड़ाघाट, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, दक्षिण दमोह, बुरहानपुर, खंडवा, ओंकारेश्वर, दक्षिण सीहोर, भोपाल, बैरागढ़, रायसेन, भीमबेटका, कटनी, डिंडोरी, उत्तरी शहडोल, हरदा, अनूपपुर, अमरकंटक, उमरिया, बांधवगढ़, पेंच, सिवनी और सागर में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटे बाद चूंकि सिस्टम का असर कम होगा, मानसून ट्रफ लाइन थोड़ा फर्दर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगी, खासकर जो उसका पूर्वी हिस्सा है उसके चलते हुए ऑरेंज अलर्ट जो पश्चिम मध्य प्रदेश में उसमें कमी आएगी, लेकिन सागर संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग और शहडोल संभाग, इन हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा, कहीं कहीं पे का जगह अति भारी वर्षा, स्पेशली शिवपुर कला, मुरैना, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन जिलों में ये अभी 24 घंटे बाद, माने कल भी जारी रहेगा। इसके साथ ही गुना, अशोकनगर, दक्षिणी शिवपुरी, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, खरगोन, महेश्वर, विदिशा, उदयगिरी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली में बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं भिंड, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, नीमच, बड़वानी, रतलाम, उत्तरी सीहोर और मंदसौर में देर रात बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावनाएं हैं। जो पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, माने रीवा और सागर संभाग के आसपास चक्रवाती घेरे के रूप में सक्रिय रहेगा और इसी के चलते हुए इसी एरिया के आसपास, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों में, जिसमें नीमच, मंदसौर, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा का दौर ये 72 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा। 25 जुलाई से सिस्टम का जो है वो चक्रवाती घेरा काफी कमजोर हो चुका होगा और मानसून ट्रफ लाइन का असर ही रहेगा कुछ हिस्सों में और लगभग पूरे प्रदेश में जो रिमझिम बारिश का दौर या गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ऐसे कहीं भी बहुत ज्यादा विशेष भारी वर्षा, अति भारी वर्षा 72 घंटे बाद देखने को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश सक्रिय रहेगी, लेकिन बरसात की गति में कमी आने की संभावनाएं हैं। सोमवार को सबसे अधिक तापमान छतरपुर में 38.6 डिग्री दर्ज किया गया।
जबकि न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 24.4 डिग्री रहा। हमने कई जगह पे जो लाइटनिंग की घटनाएं हैं, स्पेशली सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग में जहां पे अगले 24-48 घंटों में लाइटनिंग थ्रेट थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है, वहां पे लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, आसपास किसी जलाशय के आसपास ना खड़े हों जब कभी भी बारिश हो रही हो, साथ ही किसी मोबाइल या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का खुले में उपयोग ना करें। इन सभी सावधानियों के चलते अपने जीवन की सुरक्षा का उपाय करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून के इस अद्भुत और कभी कभी विनाशकारी रूप के लिए तैयार रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम की ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।